सो हेलो गाइस, आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं एम आई पावर बैंक 2i का। तो देखते हैं अनबॉक्सिंग और देखते हैं इस प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशंस। चलिए करते हैं अनबॉक्सिंग। ये मेरे पास अभी थोड़ी देर पहले ही लेके आया हूँ मैं। एम आई वालों की पैकिंग काफी अच्छी तो नहीं होती, साइड में फेंकते हैं। ये है एम आई पावर बैंक 2i, तो कुछ इस टाइप की पैकिंग है। पैकिंग में कोई चेंज नहीं है, बस यहाँ जहाँ पहले 10,000 एम आई पावर बैंक लिखा रहता था वहाँ बस 2i लग गया है। और पीछे देखें तो MI A1 को ये 2.2 आवर्स में फुल चार्ज कर देगा, iPhone 7 को 3.5 आवर्स में। अब इसमें दो USB पोर्ट दे दिए हैं जिससे कि आप दो फोन्स को एक साथ चार्ज कर सकते हो। Li पॉलीमर बैटरीज हैं, एल्यूमिनियम अलॉय CNC एज यानी कि एल्यूमिनियम किसकी बॉडी है और एज राउंडेड है। और स्पेसिफिकेशंस देखते हैं, 10,000 mAh पावर बैंक है। मॉडल सेल कैपेसिटी है 10,000 mAh, 3.7 वोल्ट, 37 वाट्स इनपुट है, 5.0 वोल्ट, 2.0 एम्पियर पर और 9.0 वोल्ट, 2.0 एम्पियर पर। आउटपुट है 2×5 1 वोल्ट एंड 2.4 एम्पियर। तो मैक्स वोल्ट जाता है इसका 15 वोल्ट मैक्स है। तो यहाँ देखें तो यहाँ MI वाले की सिक्योरिटी है जिसकी वजह से आपकी इस प्रोडक्ट की जो वारंटी है वो स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपने इसकी यहाँ पे जो वेबसाइट लिखी है उस पर अगर इसके जो कोड होंगे वो नहीं डालोगे तो आपको इस प्रोडक्ट की वारंटी नहीं मिलेगी। तो चलिए इसको करते हैं अब अनबॉक्सिंग। ये मेड इन इंडिया का लगा हुआ है डिब्बा। इस बार थोड़ा सा मजबूत दिया गया, नहीं पहले का डिब्बा जो था वो थोड़ा चिकना था, थोड़ा सा चिकना था इससे। अब मैं इसकी और जो पुराने वाला पावर बैंक है उन दोनों की कंपैरिजन वीडियो भी बनाऊंगा, वो भी देखना गाइस। अब इस डिब्बे के अंदर निकलती है यूज़र मैनुअल जो बताती है इसकी स्पेसिफिकेशंस। और ये है अपना पावर बैंक और देखते हैं बॉक्स के अंदर क्या है। और इसके अंदर है एक डाटा केबल, थोड़ा निकालना मुश्किल हो रहा है। हाँ ये आ गई डाटा केबल अपनी, तो ज़्यादा बड़ी नहीं है। इसको करते हैं साइड, आते हैं अपने मेन प्रोडक्ट पर। तो ये है अपना मेन प्रोडक्ट MI का पावर बैंक। तो चलिए इसको खोलते हैं। इस बार थोड़ा सा इसकी हाइट जो है वो इंक्रीज हो गई है पहले की MI की पावर बैंक से। तो कुछ इस टाइप का आपको मिलता है इस बार। ये एनमोलियम है और देखते हैं अंदर क्या है। इसमें कई सारे नए फीचर्स दिए गए हैं। ये देखिए इस बार हमें दो USB पोर्ट दिए गए हैं फ़ोन को चार्ज करने के लिए। जैसे इसके 2000 mAh वाले में आता था वैसे अब 10,000 mAh में भी कर दिया गया है। अब दो पावर आए, दो आउटपुट दे दिए गए हैं हमें अपने फ़ोन को चार्ज करने के लिए। देखते हैं कंपनी से कितना चार्ज हो के आया है। ये 2 बैटरी 50% चार्ज है ये। और वही इसमें वही सिस्टम है छोटों का, छोटी जैसे घड़ी और छोटे फ़ोन चार्ज करने हो जो फास्ट चार्ज सपोर्ट ना करते हैं उसको दो बार प्रेस करिए बटन को, यानी आपको एक एक लाइट जला के दिखाएगा, इसका मतलब वो सिस्टम ऑन हो गया है। फिर से दो बार प्रेस करेंगे तो बस वो मोड हट जाएगा। ये देखिए ये मोड अब हट गया। तो यही है कुछ एल्यूमिनियम अलॉय की बॉडी, ठीक ठाक है। मैं इसका एक कंपैरिजन वीडियो बनाऊंगा जो पहले वाले में है और जो अब है, कुछ इस टाइप से है इस पावर बैंक। हाइट इंक्रीज हो गई है गाइस, और कुछ तो मुझे खास नहीं लग रहा, शायद पावर भी इंक्रीज हो गई है। पहले वाले की जो एक्चुअल पावर थी वो थी 7,000 mAh और इसकी है शायद मेरे ख्याल से 8,000 mAh, मुझे मैं पक्का श्योर नहीं हूँ कि कितना है।
ठीक है, तो यही थी इस ये वीडियो। चलिए फिर मिलते हैं अगली बार किसी और वीडियो में। ओके बाय।